दोस्तों, प्रत्येक देश की अपनी अलग विशेषताएं और क्षेत्रीय ताकत होती हैं, जो उस देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करता है। लेकिन आज हम उन 10 देशों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उल्लेखनीय आर्थिक विकास हासिल किया है और ग्लोबल इकोनॉमी में प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं। अपनी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वे विश्व की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आइए इन शीर्ष 10 देशों और उन कारकों पर करीब से नजर डालें जिनकी वजह से उनकी सफलता हुई है। नंबर 10, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की आबादी 51.74 मिलियन है। ये देश इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं। इनके जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से आता है। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशंस, जहाज निर्माण, रसायन और इस्पात शिल्प आते हैं। दक्षिण कोरिया की कुल जीडीपी 1.79 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 9, कनाडा। इस देश की कुल आबादी 38.25 मिलियन है। कनाडा का अधिकांश भाग छोटे शहरों, गांवों और जंगली इलाकों से घिरा है, इसलिए इनका जीडीपी इनके देश के आकार के अनुरूप नहीं है। कनाडा के सबसे बड़े उद्योग रियल एस्टेट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खनन कंपनियों का जन्म यहीं पे हुआ है। कनाडा की वार्षिक जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 8, इटली। इटली की आबादी सिर्फ 59.11 मिलियन है। पर्यटन के साथ साथ फैशन, फूड, ऑटोमोटिव पार्ट्स और ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ के बड़े उद्योगों में शामिल है। पर्यटन इटली की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इटली की वार्षिक जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस की आबादी 67.7 मिलियन निवासियों की है। परिवहन, कृषि, पर्यटन उनके अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है और ऊर्जा की उत्पादन के क्षेत्र में भी वो बड़े माने जाते हैं। लेकिन इटली और फ्रांस, इन दोनों देशों के लिए पर्यटन वास्तव में बहुत महत्व रखता है। इन दोनों की जीडीपी का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। फ्रांस की वार्षिक जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 6, हमारा अपना भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कृषि और कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, बैंक, बीमा, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। भारत की आबादी 1.408 बिलियन है और हमारे देश की वार्षिक जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। इनकी इकोनॉमी का अधिकांश भाग आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे चीजों की उत्पादन और निर्माण करते हैं। इसे छोड़ पर्यटन, शिपिंग, बीमा, निवेश, बैंकिंग, ये सब से भी इनको अच्छी आमदनी होती है। यूनाइटेड किंगडम में 67.33 मिलियन निवासी हैं और उनकी वार्षिक जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 4, जर्मनी। हम सभी जानते हैं कि जर्मनी में कुछ क्रेजी इंडस्ट्रीज हैं, मशीन निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और फूड प्रोसेसिंग, ये उनके मुख्य उद्योग हैं। जर्मनी की आबादी 83.2 मिलियन निवासियों की है और उनकी वार्षिक जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 3, जापान। कारों और कार के पुर्जों का निर्माण जापान के सबसे बड़े उद्योगों में से है। जापान की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित है। इस देश के पास दुनिया की दूसरी सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। जापान की अर्थव्यवस्था में टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी, मज़दा, मित्सुबिशी, कावासाकी, यामाहा जैसी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। जापान की कुल आबादी 125.7 मिलियन है और उनका वार्षिक जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 2, चीन। चीन की अर्थव्यवस्था और जीडीपी की बात करें तो वो एक पावर हाउस है। विभिन्न तरह के सर्विस सेक्टर, कृषि, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी इत्यादि चीजों से इनकी अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। चीन की कुल आबादी 1.412 बिलियन निवासियों की है और उनकी वार्षिक जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 1, यूएसए।
मैन्युफैक्चरिंग और विभिन्न उद्योग जैसे कि खनन, जाहिर तौर पर तेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उनके पास बहुत सी चीजें हैं जो उनके प्रमुख उद्योग में आता है, जैसे कार, ऑटोमोबाइल, बीमा, तेल और गैस की खोज, वाणिज्यिक बैंक, इंजीनियरिंग सेवाएं, हथियार प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 332 मिलियन निवासियों की आबादी है और इनका वार्षिक जीडीपी 22.9 ट्रिलियन डॉलर का है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।